दीपावली से पहले कान फोड़ू शो राजधानी को चिड़चिड़ा बना रहा है। कोरोना अवधि में शांत दिखने वाला गुलाबी नगरी अब हर जगह शोर है और जो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ और देर रात तक खुलने वाले बाजार अब गुलाबी नगरी की आवाज को भी कर्णप्रिय नहीं लग रहे हैं और लॉकडाउन के बाद भी राजधानी जयपुर में ध्वनि प्रदूषण तय मानकों से ज्यादा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण में कमी भी आई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों गुलाबी नगरी में शोर बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। गुलाबी नगरी की आवाज अब कर्णप्रिय नहीं रही। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सितंबर 2022 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार साल के 9 महीने में ध्वनि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन और रात दोनों समय में ध्वनि प्रदूषण सामान्य से अधिक पाया गया। कोरोना के जाते ही ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है। राजा पार्क शांत तो पर कोटे में शोर बढ़ गया है। पॉश कही जाने वाली सिविल लाइंस में रात में 9% तक ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। शहर के समस्त चिन्हित स्थानों पर ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से ज्यादा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सितंबर 2022 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मानसरोवर दुर्लभजी अस्पताल क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। साइलेंट रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन में शोरगुल बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार साइलेंट जोन में मानक ध्वनि की सीमा 50 डेसिबल मानी गई है, जबकि आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल और कॉमर्शियल क्षेत्र में 65 डेसिबल मानक माना गया है। राजभवन के पास मानसरोवर पटेल मार्ग, नगर निगम ऑफिस, शास्त्री नगर का साइंस पार्क, राजा पार्क गली नंबर 3, छोटी चौपड़, कोतवाली थाना, संतोखबा दुर्लभजी अस्पताल के बाहर ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है। राजभवन के पास ध्वनि प्रदूषण 73 डेसिबल पहुंचा, मानसरोवर में 76 डेसिबल तक पहुंचा है, साइंस पार्क शास्त्री नगर में 75 डेसिबल पहुंचा। साइलेंट जोन माने जाने वाले दुर्लभजी अस्पताल के बाहर 77 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण पहुंच गया है। रात के समय ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो साइलेंट जोन में 40 डेसिबल, रेजिडेंशियल जोन में 45 और कॉमर्शियल जोन में 55 डेसिबल का मानक तय है। लेकिन रात में भी जयपुर के अलग अलग इलाकों में ध्वनि प्रदूषण कम नहीं हुआ। रात के समय ध्वनि प्रदूषण पिछले साल की तुलना में ज्यादा पाया गया है। राजभवन के पीछे उद्यान क्षेत्र में दिन में 4% और रात में 9% बढ़ा है। दुर्लभजी क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण 2% ज्यादा हुआ है। मानसरोवर में दिन में 4% और रात में 2% ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। शास्त्री नगर में दिन में 2% और रात में 5% की वृद्धि हुई है। सिविल लाइंस में दिन में ध्वनि प्रदूषण में 5% की वृद्धि हुई है। राजा पार्क में दिन में 6% की वृद्धि और रात के समय में 2% की कमी आई है। छोटी चौपड़ परकोटा क्षेत्र में दिन में 4% और रात के समय में 1% ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। बहरहाल गुलाबी नगरी में बढ़ता ध्वनि प्रदूषण भविष्य के लिए अलार्म है, जिससे सतर्क होकर ध्वनि प्रदूषण कम करने की जरूरत है। बढ़ते शोरगुल से राजधानी का स्वभाव तेजी से बदल रहा है। आमतौर पर शांत दिखने वाली गुलाबी नगरी अब चिड़चिड़ी होती जा रही है। सीधा सा कारण है बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं। कमर्शियल क्षेत्र हो, रेजिडेंशियल क्षेत्र हो, चाहे साइलेंट जोन, हर जगह प्रदूषण में 8 से 10% तक की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। अगर जल्दी ही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों की सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।